ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अक्षयाणम नमो लुए सवसाहूणम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् भावे कृत्सन्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर पंडित श्री आशाधर जी द्वारा रचित हम टीका भी साथ में देख रहे हैं। हमने अभी तक सातवें श्लोक तक कल देखा था और उसमें देखा था कि मोह रूपी मदिरा पान करने पर जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये उसको पता नहीं है। माने सम्यक दर्शन के बिना ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सम्यक दर्शन बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। सम्यक दर्शन बिना क्या नहीं होता है, तो कहते धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। धर्म रूपी महल का मूल कौन है, धर्म रूपी महल का मूल दर्शन है, सम्यक दर्शन है। और दर्शन के बिना चारित्र भी अंगीकार नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है। गुरुदेव श्री जो कहते थे ना, एकड़ा वगरना मिंडा जेवू छे, कोना जेवू छे, एकड़ा वगरना मिंडा जेवू छे। श्रद्धा वगर ज्ञान अने चारित्र सम्यकता को नाम प्राप्त नहीं होते हैं। श्रद्धा मूल है और चारित्र खरेखर धर्म है। क्या कहा, श्रद्धा मूल है और चारित्र खरेखर धर्म है। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक हो गई और चारित्र भी कौन सा प्रकट हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र प्रकट हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र। बहुत सारी परिभाषा आती है धर्म के लिए। एक तो अपन देखते ना, दंसन मूलो धम्मो और चारित्र खल्लू धम्मो, एक तो ये परिभाषा आती है। फिर एक आती है धर्म की परिभाषा, प्रवचन सार की गाथा 7 में दी है ये परिभाषा। प्रवचन सार की गाथा 7, मोक्ष शोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। मोक्ष शोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। किससे रहित, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। बराबर ना, मोह और क्षोभ से रहित। अहिंसा परमो धर्म, एक ये परिभाषा भी आती है। अहिंसा का नाम धर्म है। फिर एक उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण, उसको भी धर्म कहते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, उसको भी धर्म कहते हैं। एक और परिभाषा आती है, मिथ्यात्व भाव का नाश होना, उसका नाम धर्म है। मिथ्यात्व का नाश होना, उसका नाम धर्म है। हम अस्थि से बात करें तो आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख है ना, मोक्ष सुख की प्राप्ति होना, उसका नाम धर्म है। बहुत अलग अलग परिभाषा हमने देखी। और एक आप लिख सकते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम धर्म है ना। अब आप सभी सब लोग ज्वाइंट हुए ना, काजल बेन, खुशबू बेन, मोनाली भाभी, आप लोग ज्वाइंट हुए। अभी मैं वापस एक बार परिभाषाएं सारी रिपीट करती हूँ। दंसन मूल्यो धम्मो, ये धर्म की परिभाषा बता रही हूँ। दंसन मूल्यो धम्मो, चारित्रम खल्लू धम्मो। दंसन मूल्यो धम्मो परिभाषा का ही है अष्ट पाहुड में, और चारित्रम खल्लू धम्मो परिभाषा का ही कहा आई है प्रवचन सार में, है ना। फिर एक प्रवचन सार की 7वीं गाथा में परिभाषा आई है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म, एक और परिभाषा, अहिंसा परमो धर्म। फिर एक परिभाषा आती है, मिथ्यात्व के नाश को धर्म कहते हैं। फिर एक और, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण को धर्म कहते हैं। चार गति का नाश
परिभ्रमण का नाश होना उसका नाम धर्म। और एक परिभाषा 80 से हमने बताई कि अतींद्रिय सुख, आत्मिक सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होना उसका नाम धर्म। और एक अंतिम परिभाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम क्या है? धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम धर्म है। हमने 10-12 परिभाषा अभी हमने धर्म की देखी। धर्म किसे कहते हैं, ख्याल आया ना? धर्म किसे कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं श्लोक नंबर 7 के बाद हम श्लोक नंबर 8 पे आते हैं। श्लोक नंबर 8 बराबर, हम श्लोक नंबर 8 को देखेंगे। उसके पहले देखो क्या लिखा है, उत्थानिका में क्या लिखा है। फरी थी आचार्य कहे छे पोताना स्वभाव ने प्राप्त नहीं करनार, पोताना स्वभाव ने प्राप्त नहीं करनार अर्थात शरीर वगैरह नु स्वरूप नहीं जाननार, पुरुष शरीर आदि ने अन्यथा अन्य प्रकारे माने छे एवो अर्थ छे। पोताना स्वभाव ने प्राप्त नहीं करनार अर्थात शरीर वगैरह स्वरूप ने नहीं जाननार पुरुष आदि, पुरुष शरीर आदि ने अन्यथा अन्य प्रकारे माने छे। शरीर आदि ने अन्यथा अन्य प्रकारे माने छे, माने वो शरीर आदि को अपना मानते हैं। कौन? अज्ञान। शरीर आदि ने आत्मा को नहीं मानता है और शरीर आदि को अपना मानता है। अब 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं, अपन पहले श्लोक का पाठ करते हैं। वपुग्रहम दनम द्वारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। 8वां नंबर का श्लोक हम उसका जो गुजराती अनुवाद है वो भी पढ़ते हैं। तन धन गर स्त्री मित्र अरि पुत्रादि सहु अन्यचे पर भावो मामूर जन्न माने देह अनन्यचे। क्या कहा? अन्वयात शरीर घर धन स्त्री पुत्रो मित्र शत्रु ये सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। कैसे स्वभाव वाले हैं? भिन्न स्वभाव वाले हैं। शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु ये सारे के सारे कैसे स्वभाव वाले हैं? तो कहते अन्य स्वभाव वाले हैं। अन्य स्वभाव वाले हैं क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और मोह में फंसकर ये जीव इनको क्या मानता है? मोह में फंसकर ये जीव इनको अपना मानता है। माने इन सब को अपना मानने का कारण एक ही है, क्या है? कि मोह मिथ्यात्व के कारण ये जीव इन सब को क्या मानता है? अपना मानता है। कल कहा था ना मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम, ये तीन चीज दुख का कारण है, मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम। गुरुदेशी कहते थे ना मृतक कलेवर ऊपर मूर्छित थई गयो। कौन ऊपर मूर्छित थई गयो? मृतक कलेवर माने जिसमें ज्ञान भी नहीं और जिसमें सुख भी नहीं, ऐसे शरीर देह के ऊपर ये आत्मा क्या हो गया? मूर्छित हो गया। माने व्यवहार के कथन आएंगे, क्या कथन आएंगे? अपने को इंद्रिय वाला कहता कहेंगे, शरीर वाला कहेंगे, जिनागम में सारे कथन आते हैं ना, एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, तीन इंद्रिय वाला, चार इंद्रिय वाला, है ना, तो जिनागम में सारे कथन आते हैं। परंतु इन रूप में कभी हुआ नहीं हूं, शरीर वाला है ना, नौ कर्म वाला, द्रव्य कर्म वाला। अपना रूप तो ज्ञान रूप है, ज्ञान वो मेरा रूप है और मैं उस रूप को कभी मैंने छोड़ा नहीं है। ये शरीर का रूप ये मेरा रूप नहीं है, परंतु हमने इस रूप को अपना रूप माना। यहाँ पे कितने बात बताई, शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु ये सब है ना सर्वथा अपने चैतन्य स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं। कैसे स्वभाव वाले हैं? भिन्न स्वभाव वाले हैं। देखो टीका में कहते हैं माने छे समझे छे कौन थे? मूड अर्थात स्वपर्णा विवेक ज्ञान थी रहित पुरुष कोने माने छे शरीर ग्रह आदि वस्तुओं ने केवा प्रकारे माने छे इन सब को? विवेक ज्ञान रहित पुरुष जिसके पास विवेक ही नहीं है, जो भेद ज्ञानी नहीं करता है, कषायों में फंसा है, कषायों को अच्छी मानता है,
परंतु पता ही नहीं उसको कि मिथ्यात्व रूपी कषाय बड़े में बड़ी कषाय है और ये अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाली कषाय है। आत्मा को आत्मा नहीं मानना, अपना स्वरूप कैसा है कभी विचार ही नहीं करता है, तो ये मूड है। देखो इष्टोप देश की एक एक गाथा हमें ये भेद ज्ञान कराने वाली सारी गाथा है। गजब का ग्रंथ लिखा है आचार्य ने, मैंने गजब बात कर दी। एक भेद विज्ञान के अलावा और कोई बात ही नहीं की है। और अपनी भूल क्या है, अपन उस भूल को कैसे सुधारे, यहाँ पे कहा ना मूड स्वपना विवेक ज्ञानती रहित पुरुष कोने माने छे, शरीर ग्रह आदि वस्तुओं ने केवा प्रकारे माने छे, पोतानी माने छे, अपनी मानता है ना। देखो एक दृष्टांत से समझाती हूँ, जैसे दूध और पानी होते हैं ना, दूध और पानी तो अलग अलग होते हैं तो वे शुद्ध है, परंतु दोनों को मिलाया जाए तो कैसे हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, है ना। दोनों अलग अलग है तो शुद्ध है, पर दोनों को मिलाए तो अशुद्धता होती। ऐसे ये जीव और ये पुद्गल दोनों अलग अलग है, परंतु जब ये जीव ने इनको अपना माना, जीव ने इनको अपना माना तो पर्याय में अशुद्धता मिथ्यात्व विकारी भाव विभाव भाव खड़े हो गए। मूल कारण हम भेद ज्ञान नहीं करते हैं, यही हमारी भूल है। भूल एक ही है कि हमको जब निरंतर भेद ज्ञान करना चाहिए, परंतु हम भेद ज्ञान नहीं करते, हम भूल जाते हैं। भूल आपको भ्रमत्वात्, भूल गए कि हम शुद्धात्मा है, हम ज्ञायक तत्व है, हम जानने वाले हैं। बहुत बार दृष्टांत देते ना कि झाड़ को वृक्ष को मूल में से नष्ट कर दो, वृक्ष को मूल में से नष्ट कर दे तो फिर बोलो पत्ते डाली फूल फल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, नहीं उगेंगे, परंतु हमने मूल को ही नष्ट नहीं किया और ऊपर ऊपर से हम काटते रहे तो बोलो वो नष्ट होगा कि नहीं, पेड़ नष्ट होगा कि नहीं, पेड़ नष्ट नहीं होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं पेड़ नष्ट नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको मूल में से नष्ट कर दो, मिथ्यात्व को जड़ मूल में से मिथ्यात्व को नष्ट कर दो, ख्याल आ रहा है कि नहीं। और एक बार मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा तो फिर वो बाकी की कषाय जो अस्तित्वजन्य कषाय है, चारित्र मोह में होने वाली कषाय है, वो नष्ट हुए बिना रहेगी नहीं। अज्ञान से दुखी हो रहा है, मोह मान्यता मिथ्या मान्यता से जीव अनादि काल से दुखी हो रहा है। यहाँ पे गाथा ही कह रहे मूड कह दिया, प्रवचन सार में कहा ना पज्जय मूढ़ा पर समया। स्वपना विवेक ज्ञानती रहित पुरुष कोने माने छे, शरीर ग्रह आदि वस्तुओं ने केवा प्रकार नहीं माने छे, पोतानी माने छे। ये सारी चीजों को वो क्या मानता है, अपनी मानता है, है कि नहीं। जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानता है और जो अपनी है उसको पराया मानता है। जो विश्वसनीय नहीं है उसके ऊपर विश्वास करता है और जो विश्वसनीय है उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। आपको दोनों में अंतर क्या लग रहा है, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी किस पर विश्वास करते हैं, अपने शुद्धात्मा के ऊपर, क्योंकि वो विश्वसनीय है। और ये सारे संयोग कैसे है तो कहते अविश्वसनीय है, माने विश्वास करने लायक नहीं है। क्या कहा, शरीर ग्रह आदि वस्तुओं ने केवा प्रकार नहीं माने छे, पोतानी माने छे। स्व एटले निज आत्मा, स्व एटले कौन, निज आत्मा एटले आत्मीय, एटले के आत्मीय स्व, है ना। ए अहीं कीधु ने शू कीधु, अहीं आनो अर्थ ए छे के दृढ़तम मोथी आविष्ट, दृढ़तम मोथी आविष्ट मोहाभिभूत प्राणी देहादिक ने आत्मा माने छे। मो मा जे अभिभूत छे, माने मो से जो मो में जो आसक्त है, मो के दृढ़ संस्कार है, माने ये मानता है कि परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है और मैं परद्रव्य को सुखी दुखी करता हूँ। ये जीव मो में क्या है, मो के दृढ़ संस्कार डाला हुआ है, तो ये जीव यही मानता है कि मैं पर के आश्रय से हूँ और पर मेरे आश्रय से है। अपने को भी पराधीन मानता है और दूसरों को भी अपने अधीन बनाना चाहता है। क्या कहा, अपने को भी पर के अधीन मानता है और दूसरों को भी क्या करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। ज्ञानी कैसे स्वतंत्र होते हैं ना, ज्ञानी का जीवन कैसा स्वतंत्र होता है, तत्व ज्ञान भेद ज्ञान कर। भेद ज्ञान के बिना कितना परमात्मा प्रकाश की गाथाओं में कहा कि कितना भी पढ़ ले शास्त्र ज्ञान ले लेंगे,
है ना। परंतु कितने शास्त्र इकट्ठे कर ले, चर्चा कर ले, कितना भी हम मंदिर चले जाए, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमने उन विकल्पों को नहीं छोड़ा, भेद ज्ञान नहीं किया, तो कह रहे हैं कि हमने आत्मा को जाना ही नहीं। माने सारे द्वादशांक का सार, पूरे द्वादशांक का सार क्या है, तो कहते हैं कि एक आत्मा को जानो। एक आत्मा को जिसने जान लिया, उसने पूरे द्वादशांक का सार जान लिया। आया ना पंद्रहवीं गाथा समय सार में कह दिया कि जिसने आत्मा को जाना, उसको जिन शासन की अनुभूति हो गई। आत्मानुभूति सोही जिन शासन की अनुभूति, पंद्रहवीं गाथा में कहा। सत्तर अठारहवीं गाथा में कहा कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो। अभी हमने कर्ता कर्म अधिकार इसके पहले देखा था, सबसे विलक्षण अधिकार है कर्ता कर्म, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, और उसमें पूरी कर्तृत्व बुद्धि तुड़ाई है आचार्य देव का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ना उसे सुखी कर सकता है, ना उसे दुखी कर सकता है। हम व्यर्थ के विकल्प करके क्या होते हैं, निरंतर आकुल व्याकुल दुखी दुखी होते हैं। मूढ़ कहा, परमात्मा प्रकाश की गाथा में भी कहा, अज्ञानी मूढ़ है, जो 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 क्या नहीं करता है कि जो देह और आत्मा को जुदा जुदा नहीं जानता है, और देह में ही अपनत्व बुद्धि करता है, ये जीव कौन है, तो कहते हैं मूढ़ है। प्रवचन सार, परमात्मा प्रकाश, इष्टोपदेश, सारी समय सार, सारे परमागमों का एक ही सार है। क्या सार है कि इस राग की एकता बुद्धि तोड़े, इस विभाव की एकता बुद्धि तोड़े, और स्व पर का क्या करे, स्व पर का भेद ज्ञान करे, है ना। मोह है ये अनंत दुख का कारण। देखो आगे बढ़ते हैं, अब कहते हैं कि प्राणी देहादिक निज आत्मा माने छे, એટલે કે તેમને આત્મ સ્વરૂપ સમજે છે, અને દ્રઢતર મોહથી આવિષ્ટ પ્રાણી તેમને આત્મીય એટલે આત્મા આત્માના માને છે। શરીર કો હી આત્મા માનતા હૈ, और ये सारे जो शरीर से भिन्न पदार्थ है उसको ही अपना मानता है, उसको अच्छा लगता है ये सारे शरीर परद्रव्य ये विभाव, इसलिए उन सब सहयोग, जिसको ये सारे सहयोग अच्छे लगते हैं उनको आत्मा अच्छा नहीं लगता, और जिसको आत्मा अच्छा लगता है उनको ये सारे सहयोग अच्छे लगते हैं। परमात्मा प्रकाश में आज सुबह एक गाथा पढ़ी कि जहां मुनिराज सो रहे हैं वहां पूरी दुनिया जग रही है, और जहां पूरी दुनिया सो रही है वहां मुनिराज जग रहे हैं। जय माला में आता है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतस्थल। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निंद्रा में सोते हैं, अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक बोते हैं। गजब की जयमाला लिखी है बाबूजी ने, बता दिया ना कि बस एक आत्मा ही मुनिराज को मुख्य रहता है, एक आत्मा का ही चिंतन रहता है, एक आत्मा का ही ध्यान करते हैं, और एक आत्मा का ही उपदेश करते हैं, माने एक आत्मा के अलावा उनको और कुछ दिखता नहीं। और ये मोही प्राणी है ना, मोह में आविष्ट होकर अपने अपने को उन रूप मानता है। शिष्य पूछे से, अब शिष्य प्रश्न करता है क्या प्रश्न करता है, केवा प्रकारनी वस्तुओं ने पोतानी माने छे, केवा प्रकारनी वस्तुओं ने पोतानी माने छे, कई वस्तुओं ने पोतानी माने छे, है ना। तो सर्वथा सर्व प्रकारे अन्य भिन्न स्वभाव वाली वस्तुओं ने, आत्मा थी जे अन्य बद्दी वस्तुओं जे भिन्न छे, जितनी भी वस्तुएं है सारी वस्तुएं ले लो, सबकी सब वस्तुएं ले लेनी है अपने को, है ना। माने इसमें पर्याय से लेके विभाव, पर्याय से लेके कर्म, शरीर, ये संयोग, सब कुछ, दो पार्टी, स्व में एक आत्मा, एक पारनामिक भाव, और उसके अलावा सब कुछ पर में, उसके अलावा सब कुछ पर में, है ना। तो ये पर, ये जितने भी चीज है वो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है,
कहते उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। सर्व प्रकारे स्व स्वभाव थी अन्य इतले भिन्न जेनो स्वभाव छे तेवी वस्तुओं ने, क्योंकि इन सारी वस्तुएं देखो ये पुद्गल तो है, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाली है, परंतु जो अन्य जीव है ना वो उसको भी पर में डाल दिया। गुरुदेव तो कहते थे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इन सबको भी पर के खाते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इनके लक्ष्य इनमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं, इनमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं, ये भी पर है मेरे लिए। एक पारिणामिक भाव ही स्व है ना, जिनके स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग वे सर्व प्रकार से मेरे से भिन्न है, बराबर भिन्न वस्तुएं है भिन्न। देखो ये काम नहीं होगा तो अनंत काल से हम ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत सुना, हमने समझा, परंतु हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। कहते ना वो बच्चा जो होता है तो उसको पिता उसको कहता है कि भाई एक गिलास पानी ला, एक गिलास पानी ला, कितनी बार? दो बार, तीन बार, चार बार बोला, परंतु वो पुत्र पानी लाता ही नहीं है। तो बोलो उसने सुना कि नहीं सुना। ऐसे हम अनंत बार हम विदेह क्षेत्र जाके आए, हमने तीर्थंकर भगवान की समय सार में चौथी गाथा में कहा कि हमने खरे कर उस वाणी को सुना ही नहीं, हम विदेह क्षेत्र जाके आए, हमने तीर्थंकरों को सुना ही नहीं, क्योंकि अगर हम सुनते तो हम यहाँ नहीं होते, हम सिद्धालय में होते। कहा होते? हम सिद्धालय में होते। हम अपने ज्ञान में ही भूल गए हैं, हम ज्ञान में ही हम अपने आप को भूल गए हैं। हमें अपना आत्मा कहाँ मिलेगा? अपने ज्ञान में ही मिलेगा। सुई कहाँ मिलेगी? कि जहां घूमी है वहां मिलेगी ना। हम सुई कहाँ घूमी है? अपने ज्ञान में घूम गई है। हम अपने ज्ञान में भूल गए कि हमने कहाँ रखी थी, वो तो वही की वही पड़ी है। ऐसे हम अपने आत्मा को अपने ज्ञान में भूल गए, ज्ञान में स्वभाव की दृष्टि की, ज्ञान में स्वभाव को देखा, तो यहाँ पे एक समय लगता है काम होने में, प्रयोजन की सिद्धि होने में, सम्यक दर्शन होने में। सबसे बड़ा दुख का कारण है अज्ञान। आता ना बाबूजी ने जयमाला लिखी है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत। किसका अंत नहीं हुआ? चिर निंद्रा का अंत नहीं हुआ। बच्चा भीड़ में घूम गया ना, बच्चा मम्मी के साथ चल रहा था परंतु भीड़ में घूम गया। ऐसे हम इस तीन लोक में हम मोह के कारण से घूम गए हैं। जैसे वो भूला पड़ गया, वो घूम गया, ऐसे हम इस तीन लोक में हम अपने स्वभाव को भूलकर ख्याल रहा है, हम घूम गए हैं, हम भूल गए हैं, हम रखड़ रहे हैं ये मोह के कारण से। कितना विचार करो कि संसार कितना कितना विशाल, माने कितना अनादि काल से ये संसार चल रहा है, परंतु ये संसार का अंत लाने के लिए हमें ये भव मिला है। किसका अंत लाने के लिए? संसार का अंत लाने के लिए। इसलिए हम इन सारे परिस्थितियों को देखते हैं, इन वैराग्य परिस्थितियों को देखते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अब ये कोरोना में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसी दशाएं हो रही है। हमें वैराग्य बढ़ाना चाहिए, हमारे जीवन में वैराग्य बढ़ना चाहिए। राग का पोषण नहीं, हमें वैराग्य का पोषण करना। वैराग्य और ज्ञान होगा तो नियम से उसका जीवन ज्ञानमय हुए बिना रहेगा। वैराग्य हमें पर से उदासीन कराता है। आप विचार करो कि कहाँ सुख है, हम एक ही भोग को क्यों बार बार नहीं भोग सकते? क्योंकि अगर सुख होता तो हम उससे छोड़कर हम दूसरे भोग पर क्यों जाते हैं? हम जाते हैं ना दूसरे भोग पर सिद्ध भगवान ने एक शुद्धात्मा देख लिया तो बोलो कितने समय वो शुद्धात्मा में रह सकते हैं? अनंत काल रह सकते हैं, क्योंकि वहां सुख है और परद्रव्य के विषयों में, पांच इंद्र के विषयों में सुख नहीं है। कहा ना, देखो क्या कहते हैं, प्रथम तो वपु एटले शरीर। वपु माने क्या? वपु माने शरीर। जे अचेतनत्वादि स्वभाव वाड़ू प्रसिद्ध छेते। शरीर का स्वभाव कैसा है? अचेतनत्व वाड़ू है शरीर नो स्वभाव, अचेतन वाड़ू छे ना, अचेतन तत्व वाड़ू छे, प्रसिद्ध छे। तेमज घर धन द्वार दारा स्त्री पुत्र है ना, मित्रो अने शत्रुओ वगैरह बधु अन्य स्वभाव वाड़ू छे। केवा स्वभाव वाड़ू छे? तो
કે છે કે અન્ય સ્વભાવ વાળું છે, બધું અન્ય સ્વભાવ વાળું છે, ના યે મેરે થે ના મેરે હે ઓર ના કભી મેરે હોંગે। બાર બાર ઇસકા ઇસકા નિર્ણય કરો, બાર બાર, ક્યોંકે મો અભી યહાં પે કહા ના દ્રઢતમ મો, દ્રઢતર મો, દ્રઢતર મો મને એ તીવ્ર મો હે કે હમ ભૂલ જાતે હે, હમ ખાલી એ સ્વાધ્યાય કરતે તબ હમે વાપસ થોડા યાદ રહેતા હે, હમ વિકલ્પ મે હમ યે સમજતે હે, વિકલ્પ કરતે હે કે મેં આત્મા હું, યે પરદ્રવ્ય મેરે સે ભિન્ન હે, પરંતુ યે નિરંતર આચાર્ય કહે રહે નિરંતર ઇસકા ક્યા હોના ચાહીએ, અભ્યાસ હોના ચાહીએ, ક્યોંકે મુજે અપના કામ કરના હે, मुझे अपना आत्मा की क्या करनी है, प्राप्ति करनी है, ये भव मेरे हाथ में से न निकल जाए आत्मा को प्राप्त किए बिना। इसलिए देखो यहाँ कह रहे ये सारे घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु ये सारे के सारे अन्य स्वभाव वाले, जबरदस्त कह दिया। एक मेरे मेरे खाते में कोई चीज जाएगी तो मेरा शुद्ध आत्मा, और बाकी सारे के सारे को पर के खाते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे से अलग है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे से अलग है। अब देखो भावार्थ, स्वपर्णा भेद ज्ञान थी रहित मूढ़ जीव, स्वपर्णा भेद ज्ञान थी रहित मूढ़ जीवो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपे आत्म स्वभाव थी सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला जे શરીર ઘર ધન સ્ત્રી પુત્ર મિત્ર આદિ પદાર્થો છે તેમને સ્વ તથા આત્મીય સ્વય એટલે કે પોતાના માને છે, એટલે આત્મીય પોતાના માને છે, અપના માનતા હૈ, આત્મબુદ્ધિ કરતા હૈ, અપનાપન અપનેપન કી બુદ્ધિ કરતા હૈ, ઉસમેં એકાકાર રહેતા હૈ, ઉસે એસા લગતા હૈ કે યે સહયોગ હૈ તો મેં હું, और ये सहयोग नहीं है तो मैं नहीं, मैंने इसका पूरा आश्रय कहते हैं ना, पराश्रय बुद्धि दुख का कारण और स्वाश्रय बुद्धि सुख का कारण। नक्की करो कि ये सब कुछ जो है ना, ये घर है, ये शरीर है, तो कहते हैं ये धर्मशाला है, धर्मशाला में अपन कितना समय रह सकते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, वापस अपने अपने अपन अपने घर आ जाते हैं कि नहीं, अपन अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसे ये जो है ना, ये सब भाड़ा के घर है, ये गतिया, ये चार गति, ये शरीर, ये जो बाहर का ये घर है, ये सब कुछ कहते हैं कि ये भाड़े के घर है, ये परमानेंट रहने वाले नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानवू तो आज पड़शे, कारण के पराश्रय मां दुख छे अने स्वाश्रय मां सुख छे। पराश्रय बुद्धि दुख नु कारण, स्वाश्रय बुद्धि सुख नु कारण। मोह को तोड़ो, है ना, मैंने अभ्यास करो। हमें लगता है कि ये सारे कॉन्टेक्ट मेरे, ये सारे मेरे मित्र है, ये सारे मेरा सुनते हैं, हमें लगता है ना कि ये मेरे अनुकूल चलते हैं, ये भ्रम है, ये भ्रम है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में कहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने ने ऐसा विकल्प किया और सामने ऐसा ही उस पदार्थ का परिणमन होना था तो वो हुआ, तो इसको भ्रम हो जाता है कि मेरे विकल्प अनुसार परद्रव्य का परिणमन हुआ, इसको भ्रम होता है। अगर अपने विकल्प अनुसार परिणमन हो ना, तो उस पदार्थ को हर समय ऐसा परिणमन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुखी होने के लिए दो दो ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन, या तो उन्होंने कहा कि परद्रव्य को अपने विकल्प अनुसार परिणमाओ सुखी होना है तो, और दूसरा कि विकल्पी तोड़ दो, क्या करो, विकल्पी तोड़ दो। अब अपने हाथ में क्या है, बोलो अपने हाथ में क्या है, परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमन कराना वो अपने हाथ में है कि विकल्प को तोड़ना अपने हाथ में, विकल्प को तोड़ देना, स्वभाव के अवलंबन से विकल्प तोड़ना वो अपने हाथ में है। बुद्धिपूर्वक ये सब स्वांग है, ये सब कहते हैं ना, अपन पिक्चर में अपन देखते हैं ना, सब नाटक है कि नहीं, अपन देखते हैं कौन कौन रियल है, कौन रियल है वो पिक्चर में, टीवी सीरियल्स में कौन रियल है, सब फेक है कि नहीं, सब फेक है। ऐसे ही कह रहे हैं पूरा ये संसार फेक है, माने कोई असली चीज नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे ये सारे सहयोग हमने पंच परावर्तन में अनंत बार भोगे है, माने अच्छे में अच्छी सुंदर में सुंदर अप्सरा रानिया देविया हमें अनंत बार मिली है, कोई बाकी नहीं रहा है, कोई भोग बाकी नहीं रहा है, हमें ये सब कुछ अनंत बार मिला,
गुरुदेव तो ये कहते थे कि भिकारी पण अनंतवार बनिया आपणे, भिकारी पण अनंतवार बनिया छे, घर घरे जईने आपणे भीख पण अनंतवार मांगी छे, लूले लंगड़े सब कुछ, एक इंद्रिय निगोद, गटर में कीड़े, हम अनंत बार सब कुछ, किसके ऊपर हम मोहित हो जाए, किसको अपना माने। मैंने कहते ना, ये सबसे दृष्टि हटाकर एक स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की रुचि करने लायक है। तो वो वैराग्य का अपना ये जीवन बने के लिए ये अपने को ये ग्रंथ मिले है, समय सार मिला, ये अष्टोपदेश ग्रंथ मिला, गजब के ग्रंथ लिखे आचार्यों। अब देखो यहाँ पे लिखा ना, भावार्थ में स्व परना वेद ज्ञानति रहित मूढ़ जीवो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्म भाव भाव थी सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला जो शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र आदि पदार्थो तेने आत्मीय स्व तथा आत्मीय पोताना माने छे। ए बधाने कोना माने छे? पोताना माने छे। असद्भुत व्यवहार नहीं आ बधा जीवना कहेवामां आवे छे। असद्भुत व्यवहार नहीं छे ने, चार प्रकार के व्यवहार नहीं आते। कितने व्यवहार नहीं? चार। पहला है असद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं, जो स्त्री पुत्र घर परिवार को अपना कहेगा व्यवहार निश्चय कथन में लागू पड़ते हैं, वो कहेगा। दूसरा जो है असद्भुत अनुपचरित व्यवहार नहीं, जो ये शरीर और कर्म को अपना कहेगा। किसको अपना कहेगा? शरीर और कर्म को अपना कहेगा। हो गए दो। तीसरा है सद्भुत उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, बराबर, जो राग को अपना कहेगा, राग को अपना कहेगा। और चौथा है कौन सा है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जो गुण गुणी के भेद को अपना कहता है। मैंने मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, इसको अपना कहता है। ये कौन सा नहीं है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ये सारे व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं ऐसा कहते हैं, परंतु आवे छे, एटले के ए बधानो संयोग जीवने छे खरो। व्यवहार नहीं सर्वथा झूठा नहीं है, व्यवहार नहीं उपचरित कर कथन करता है, झूठा कथन नहीं करता, उपचरित। आप लगे ना, उपचरित सो व्यवहार, उपचरित सो व्यवहार। पाछू चार रिपीट करू, ओके, काजल में रिपीट करू छू चार पाछू। पहलू शू कीधु? असद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं, मैंने अपने को ऐसा बोलना है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। दूर थी पहला दूरवर्ती पदार्थ होती चालू करो, स्त्री घर पुत्र धन मकान है ना, इनको अपना कहेगा। पहला नहीं, फर्स्ट नहीं, बराबर, फर्स्ट नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। दूसरा है ना, दूसरा असद्भुत माने मेरे सत्ता में नहीं है, मेरी सत्ता से बाहर, मेरे द्रव्यगुण पर्याय से बाहर। दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये शरीर और कर्म, क्योंकि अभी यहाँ पे असद्भुत ही है परंतु अनुपचरित हो गया ना, तो ये कौन से लेने के, जो आत्मा का जिसके साथ एक क्षेत्र आगा संबंध हो, तो कौन आएंगे इसमें, कौन आएंगे? तो कहते हैं कि ये कौन? कर्म और शरीर, दो चीज, कर्म और शरीर, दो हो गए। अब तीसरा है असद्भुत उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब अंदर आने का, सद्भुत माने अपनी सत्ता में, तो राग आदि पर्याय अपनी पर्याय में है ना, तो तीसरा नहीं, राग को अपना कहेगा, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, राग को अपना कहेगा। और चौथा वाला कौन सा है? चौथा है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, ये गुण गुणी के भेद को अपना कहता है। माने ज्ञान वाला मैं, दर्शन वाला मैं, चारित्र वाला मैं, सुख वाला मैं, इस प्रकार से गुण गुणी के भेद को अपना कहता है। इतना भेद किया ना, भेद सो व्यवहार, अपन कहते हैं ना, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, तो इतना भेद किया इसलिए व्यवहार।
चार व्यवहार नहीं है और व्यवहार नहीं उपचरित कथन करते हैं, क्योंकि ये सब संयोग में है ही नहीं और करे तो वो व्यवहार नहीं नहीं है। घड़े में घी हो ही नहीं और घी का घड़ा कहे, ऐसा ये व्यवहार नहीं का कथन नहीं है, परंतु घड़े में घी का संयोग है इसलिए व्यवहार नहीं कहेगा। घी का घड़ा, किसका घड़ा? घी का घड़ा माने संयोगी कथन, उपचरित कथन करता है। ऐसे ये सब कुछ है, वर्तमान में है, इसका निषेध नहीं है, परंतु देखो यहाँ पे क्या कह रहे, इतले के ए बद्धानो संयोग जीव ने छे खरो पन ते जीव थी सर्वथा भिन्न छे। परमार्थ थी जो ये तो जीव थी बद्धा भिन्न छे, ये मेरे नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में इनका प्रवेश ही नहीं है। इसलिए ग्यारहवीं गाथा में कह दिया कि भूतार्थ निश्चय भूतार्थ आश्रय करने लायक है, भूतार्थ का आश्रय करने लायक है, अने सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ छे। सगड़ो व्यवहार केवो छे तो के छे अभूतार्थ छे, अने एक भूतार्थ आत्मा छे के जे आश्रय करने लायक छे। बद्धा व्यवहार ने शू कही दीदो? अभूतार्थ कही दीदो, क्योंकि ये है अपने स्थान में है परंतु मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए अभूतार्थ। मेरे स्वभाव में नहीं है इसलिए इसलिए व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ, निश्चय ने सर्वथा भूतार्थ, बराबर समझना। निश्चय ने सर्वथा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सर्वथा भूतार्थ, परंतु व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। क्यों? क्योंकि व्यवहार जब अपने अपनी जगह पे व्यवहार है, ये सारे संयोग है, इसलिए भूतार्थ, परंतु स्वभाव में नहीं है इसलिए अभूतार्थ, और निश्चय नहीं तो एक सर्वथा भूतार्थ ही है क्योंकि आश्रय करने लायक। ये ते दर्शावा माटे प्रस्तुत मूल गाथा तेमज टीका मां सर्वथा शब्द वापर्यो छे। जो आ रीते मूल जीवो पोताना आत्म स्वभाव थी सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला पदार्थों में आत्मबुद्धि ने आत्मीय बुद्धि करी दुखी थाय छे। आत्मबुद्धि आत्मीय बुद्धि એટલે મારાપણાની હુંપણાની એકત્વ મમત્વ બધી બુદ્ધિઓ લઈ લેવાની, આમાં એ અપની અપના માનતા, એટલે દુખી હોતા હૈ। ક્યા હોતા હૈ? દુખી હોતા હૈ। अब देखो इसमें भावार्थ हमने पढ़ लिया है, खाली नीचे की लाइन बाकी ना, वो अपन देख लेते हैं। ये एक समाधि तंत्र का श्लोक का रेफरेंस दिया है, 56 नंबर का श्लोक। अज्ञानी जीव आत्मीय बुद्ध एटले आत्मीय नहीं एवं स्त्री पुत्र ए मारा छे, अने अनात्मभूत एटले आत्मभूत नहीं एवं शरीर आदि ए हूँ छू એવો અધ્યવસાય વિપરીત માન્યતા કરે છે। આત્મીય ભૂત એટલે આત્મીય નહીં એવા એ જે બધા છે ને, સ્ત્રી પુત્ર ઘર પરિવાર, એને મારા માને છે, અને અનાત્મભૂત આત્મભૂત નહીં એવા શરીરાદીમાં હું પણ એવા અધ્યાસથી વિપરીત માન્યતા કરે છે। માને યહાં પે દો બાત લે લી ઉન્હોને, શરીર પુત્ર આદિ છે એને મારા માને છે, અને સોરી સ્ત્રી પુત્ર આદિ છે ઉસકો અપના માનતા હૈ, ઉસકો મેરા અપના માનતા હૈ, ઓર જો શરીર આદિક હૈ ના, શરીર આદિક ઉસમે હું પણ હૈ, યહી મેં હું, માને યે સારે સંયોગ મેં મેરે પણે કી માન્યતા, ઓર શરીર મેં એકત્વ પણે કી માન્યતા, દોનો મેં અંતર હૈ, યે મેરે ઓર યે શરીર હી મેં, યે પુત્ર સ્ત્રી ઘર પરિવાર યે મેરે ઓર યે શરીર, ये शरीर ही मैं, ममत्व और एकत्व भाव, एकत्व बुद्धि की बात करते ना, तो ये जो परद्रव्य है उनमें ममत्व बुद्धि करता है और शरीर में एकत्व बुद्धि करता है, बराबर। अहियाँ कीधु ने आत्मीय नहीं, जे दूर छे, बता दूरवर्ती पदार्थ, एमा मारा पणानी मान्यता करे छे, अने अनात्मभूत आत्मभूत नहीं एटले के आत्मभूत एटले आत्मा नथी, ए शरीर आदि એ બધાને શું માને છે, એમાં હું પણ હું એટલે શરીરમાં હું પણાની માન્યતા કરે છે, એવી વિપરીત માન્યતા અધ્યવસાય અનાદિકાળથી એ જીવ કરતા આયા હૈ। અહીં હિતવર્ગને ઉદ્દેશીને દ્રષ્ટાંત છે, અહીં એટલે શરીરાદી મધ્યે જે હિતકારક એટલે કે ઉપકારક સ્ત્રી આદિનો વર્ગ એટલે સમૂહ છે, તેમને ઉદ્દેશીને એટલે તેમને વિષય કરીને તે કેવા છે તે સમજાવવા માટે અમે દ્રષ્ટાંત એટલે ઉદાહરણ આપીએ છીએ, તે આ પ્રમાણે છે।
अब देखो अब जो नौवा नंबर का श्लोक आएगा ना, कल अपन ये चालू करेंगे, तो इसमें बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है, ना पक्षियों का दृष्टांत दिया है, वो कल सुबह हम इस दृष्टांत को, इस श्लोक को हम समझेंगे, है ना। इसमें ये समझ में आएगा, ये उदाहरण दिया है आगे का श्लोक में कि कैसे ये जीव जो परद्रव्य है, सारे संयोग है, दूरवर्ती पदार्थ है, उसमें ये क्या करता है, आत्मीयपना, आत्मीयता करता है। तो हम ये कल सुबह 9 नंबर का श्लोक देखेंगे। ऐसे इन परद्रव्य में से अपनत्व बुद्धि टूटे और स्वभाव में अपनत्व बुद्धि हो, इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सीमंदर भगवान नो जय हो। बोलो तीन कम 9 करोड़ सर्व भावलिंग मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधनी जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।